दोस्तों, आप देख रहे हैं का ट्रेनर दोस्त। आज आपको हम बताएंगे ये जो मटर का प्लांट है, जो आप मटर का प्लांट कैसे ग्रो करें। ऐसे मटर में तो आप स्वीट पी के नाम से अब तो फ्लावर में भी आने लगे हैं, लेकिन आज मटर प्लांट का बात करेंगे। स्वीट पी वाला वो फ्लावर जब फूलने लगेगा तब हम बता देंगे। आज ये मेरा मटर का प्लांट है, देखिए कितना अच्छा प्लांट है। ये आप चाह सकते हैं तो गमला में भी लगा सकते हैं। इसे आपको लगाने के लिए अक्टूबर या नवंबर का माह चाहिए, उस समय लगाया जाता है। देखिए मेरा मटर का प्लांट बहुत सारा फ्लावर दिया हुआ है, फ्लावर और फल भी है। इसमें थोड़ा थोड़ा जिसे छिमी के नाम से जाना जाता है। आप किसी भी नर्सरी से आप इसका बीज ला सकते हैं, या आप जो घर में बनाने के लिए जो मटर लाते हैं वो भी ले सकते हैं। आप एक गमला ले लीजिए, 12 इंच वाला पॉट वाला, उसमें एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा गार्डनर सॉइल और एक हिस्सा आप उसमें वर्मिंग कंपोस्ट, या एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा वर्मिंग कंपोस्ट मिला के उसमें थोड़ा फंगीसाइड डाल के आप उसका मिट्टी बना सकते हैं। उसके बाद उसी मिट्टी में आप इसका, देखिए जी ये मैं फूलने के लिए रख दिया था मटर, अभी फूलने के लिए रख दीजिए। 24 घंटा जब पूर जाए तो आप अगर खेत में लगाना चाह रहे हैं तो फूल लगाने के बाद आप खेत में लगा सकते हैं, अगर नहीं तो ऐसे ही लगा सकते हैं। ये थोड़ा अंदर जाना चाहिए, आधा औंगली इतना, उंगली इतना जाना चाहिए इसके अंदर, उसमें लगा दीजिए आप खुरपी से। देखिए मैं कैसे लगा रहा हूँ, आप उंगली से भी लगा सकते हैं, अगर गमला में है तो गमला में तो ऐसे भी लगा सकते हैं। अब गमला में ये आज जब डालिएगा उसके 2-3 दिन बाद ये जन्मने लगते हैं। 10 दिन में ये थोड़ा बड़ा सारा निकल जाते हैं। अगर आप फुला दीजिएगा, मतलब पानी में रख दीजिएगा भिंगो के, तो 24 घंटा में इसका, इसमें से जो वो मटर होता है स्प्राउट निकलने लगते हैं। स्प्राउट जब निकलने लगेंगे तो एक एक करके आप लगाने की कोशिश करेंगे, और जब लगा दीजिएगा तो इसमें आपको 10 दिन पर पानी देना होगा। अब गमला में है तो रोजाना पानी देना होगा, ऐसे जो खेती किया जाता है उसमें 10 दिन पर पानी दिया जाता है। आप भी गमला में लगाइए। देखिए हम तो ऐसे ही जमीन पे लगाए हुए हैं, आप अगर गमला में लगाएंगे तो एक गमला में 5 या 6 बीज रहना चाहिए, 12 इंच वाला गमला में, और वो फलने लगेगा। आपको फलने लगेगा 2 माह बाद, तो आप उसका हरा मटर बना के सब्जी बना सकते हैं। आप इसके लिए 3-4 गमला का उपयोग करना होगा अगर गमला में लगाना चाहते हैं। अगर इसमें जो फ्लावर आता है वो भी ऐसे ही लगा सकते हैं जैसे मटर लगाया जाता है। अब इसका फ्लावर में भी आता है, उसमें मल्टीपल कलर में आते हैं, इसलिए आप ऑनलाइन उसे, हम तो क्राफ्ट शीट वाले से शीट मंगवाए हैं। अगर ये तो आपके किचन में ही होगा मटर, जिससे आप प्लांट उगा सकते हैं, किचन का मटर उससे भी प्लांट उग जाएगा। उसी से उसमें थोड़ा अगर फंगीसाइड हो तो फंगीसाइड मिला दीजिएगा। जब वो भिगोने के लिए रखेंगे तो और अच्छा एक एक प्लांट निकल जाएगा। ऐसे वो किचन वाला भी ठीक रहता है, वो भी ये दाल की तरह उपयोग किया जाता है, इसका सब्जी भी बनाया जाता है। आप अगर हरा मटर का उपयोग किए हुए होंगे तो ये हरा मटर के तरह साथ भी हरा मटर की तरह भी ये उपयोग किया जाता है। एक प्लांट में आपको 100 ग्राम तक निकलेगा, अगर आपका खाद पानी अच्छा दिए हुए रहेंगे तो।
ऐसे तो जिस तरह आपका मेहनत हो, आप दिन भर